Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So the topic for today is fruits and vegetables. Hum sabko pata hai that to eat fruits and vegetables are pivotal to stay healthy, active, away from diseases. So aaj ki class mein kis tarike se hum kisi se question put kare fruits and vegetables se related, ya agar kisi ne humse question put kara to uska revert kaise dena hai hum wo sikhenge. तो लेट जस्ट बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन हम पुट कर सकते हैं किसी से, डू यू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. क्या आप फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हो? तो इसमें हम किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, डेफिनेटली यस आई डू ईट देम. जी हाँ मैं खाती हूँ या मैं खाता हूँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है, ठीक है खाते हो तो बताओ क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट देम. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों खाते हो. अब आप सबको पता होता है हिंदी में कि हम क्यों खाते हैं फल और सब्जियां, बट जब अक्सर मैं बच्चों से पूछती हूँ इंग्लिश में कि वाई डू यू ईट, तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाते या वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं कि अब इस लाइन को इंग्लिश में क्या बोले या इस वर्ड को अब इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं. तो डू नॉट वरी, आज की क्लास के बाद आपको ये सब भी समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, एकदम से ही जवाब दे देंगे. तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं वाई डू यू ईट देम, आई eat them as they contain minerals, vitamins, iron and more. इसके अलावा moreover they keep a person hydrated, away from diseases and healthy. एक बार से फिर से रीड आउट करते हैं, क्यों आप खाते हो. आई ईट देम एज दे कंटेन मिनरल्स विटामिन्स, सॉरी अगेन विटामिन, स्पेलिंग वुड बी विटामिन्स, आयरन एंड मोर. Moreover, they keep a person hydrated, away from diseases and healthy. मतलब अगर कोई फल सब्जी खाता है तो वो बीमारियों से दूर रहता है. क्यों? क्योंकि उनमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन, आयरन ये सब होते हैं और ये जो है उन्हें हेल्दी रखते हैं, एक्टिव भी रखते हैं. आप अगर चाहें तो एक्टिव वर्ड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. जो भी आप फल सब्जी खाकर फील करते हो वो सारा कुछ आप यहाँ लिख सकते हो, हेल्दी, एक्टिव, अवे फ्रॉम डिसीजेस, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है, सब कुछ राइट. अब इसमें आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन डू यू ईट. ठीक है अब ये बताओ खाते कब हो. अब इसका कोई पर्टिकुलर डे तो होता नहीं, ठीक है रोज ही खाते हैं हम फल और सब्जी टू स्टे हेल्दी एक्टिव सो दैट वी कैन डू आर वर्क रिलेटेड. तो इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन डू यू ईट, आई ईट देम डेली टू स्टे फिट, एक्टिव एंड हेल्दी. ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हो, डू यू ईट हो गया, व्हाई डू यू ईट हो गया, व्हेन डू यू ईट हो गया. ऑल राइट विच फ्रूट एंड वेजिटेबल डू यू ईट देम. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू ईट. ठीक है अब ये बताओ कौन से फल सब्जियां खाते हो तुम. तो आप लिख सकते हो जो हर फल सब्जी खाते हैं वो लिख सकते हैं आई ईट ऑल ऑफ देम.
जो पर्टिकुलर है, बहुत चूजी है, वो लिख सकते हैं जो जो से वो फल सब्जी खाते हैं उसका नाम। तो आई ईट ऑल, तो आई कैन राइट, मैं यहाँ लिख सकती हूँ ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आई डू ईट। टू अगेन, टू स्टे हेल्दी एक्टिव फिट एंड अवे फ्रॉम डिसीजेस। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आई डू ईट टू स्टे हेल्दी एक्टिव फिट अवे फ्रॉम डिसीजेस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है अब आपका, और क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, और क्या आप पूछ सकते हो? डू यू ईट, वाई डू यू ईट, वेन डू यू ईट, विच फ्रूट एंड वेजिटेबल डू यू ईट। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या हम पूछ सकते हैं, हाउ डू यू फील, कैसा फील करते हो फिर? ऑल राइट, सो लेट जस्ट राइट दिस, हाउ डू यू फील, खाने के बाद आपको फल सब्जी कैसा फील होता है? तो हम इसमें लिख सकते हैं आई फील एक्टिव एनर्जेटिक हेल्दी एंड मोर। मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने के बाद एक्टिव महसूस होता है, एनर्जेटिक फील करती हूँ मैं, और हेल्दी तो फील करती ही करती हूँ। सो दीज आर द क्वेश्चन अलॉन्ग विद आंसर विच यू कैन आस्क और रिवर्ट इफ समवन आस्क यू। प्लीज जोट इट डाउन समवेयर एंड हैव अ गुड कमांड। जब भी आपसे कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे, डू नॉट गेट हेजिटेट, बिकॉज आपको ये क्वेश्चन करने के बाद एक हिंट मिल जाएगी कि हमें किस तरीके से किसी को जवाब देना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। आप ये देख सकते हो कि मेरे हर क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो WH की फैमिली से ही होती है हर बारी, और जो आंसर है मेरा वो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन ही होता है। सपोज जैसे मैंने अपना सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया है, व्हाई डू यू ईट देम, आप क्यों खाते हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने आंसर की शुरुआत कहाँ से करूँ, तो यू कैन जस्ट पिक द लाइन फ्रॉम योर आंसर। लाइक यू का आंसर में हो जाएगा आई ईट देम एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन डू यू ईट, कब खाते हो। आई यू का अगेन आई, तो यहाँ हो जाएगा आई ईट देम, कब खाते हो। आई ईट देम डेली, या आप ये भी लिख सकते हो आई ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग व्हाइल वेजिटेबल्स इन द आफ्टरनून। कैसे डिस्क्रिप्शंस देनी है वो डिस्क्रिप्शंस आप पे डिपेंड है, आप किस तरीके से देना चाहते हो उसी तरीके से आप अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो। माई वे इज ओनली टू गिव यू एन आइडिया हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड योर आंसर। जितनी अच्छी आपके आंसर की फ्रेमिंग रहेगी फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, उतना ही अच्छा इंप्रेशन आपका औरों पे रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन एयर्स की जो वीडियोज हैं वो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को शेयर करो। आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। फॉलो फॉर मोर, बाय।